प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के दूसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूर्ण करने के बाद पीडब्ल्यूडी विश्रामगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि बीते एक वर्ष के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय रहा है। इन एक वर्षों में ट्रिपल तलाक, धारा 370, सीए तथा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में माननीय कोर्ट के फैसले के बाद त्वरित निर्णय लेने का जो काम किया है वो बीजेपी सरकार ने किया है। हाल ही में कोरोना महामारी का डटकर मुकाबला करते हुए पूरे विश्व की प्रशंसा पाने के लिए हमेशा देश के 135 करोड़ नागरिकों को गौरवान्वित करते रहेंगे। साथ ही यह भी बताया कि 21 जून को पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का झारखंड में वर्चुअल रैली होगा। पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रतुल सहदेव ने यह भी कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में फेल है। शुरुआती दौर में ही कड़ाई से अगर एक्शन लिया जाता तो यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती। सरकार और अधिकारियों के बीच जानकारी देने में भी कई त्रुटियां सामने आई है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार कोरोना जैसे गंभीर बीमारी पर लापरवाही बरत रही है। कलम का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और जो हमारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक थे, किसान थे, छोटे दुकानदार थे, उनके लिए 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपए पेंशन की हम लोगों ने योजना शुरू की। केंद्र सरकार की एक लंबी उपलब्धियां है। तो इन सबों से, इन सभी मुद्दों पे भाजपा और झारखंड की एक वर्चुअल रैली होनी है। आपको पता है फिलहाल लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के कारण हम लोग रैली जमीनी स्तर पे नहीं कर सकते हैं, तो वर्चुअल रैली जो बिहार में हुई और वेस्ट बंगाल में वो बहुत ही सफल रही। अब 40 लाख और 30 लाख व्यूज भी है दोनों जगह पे। तो इसी तरीके से झारखंड में 21 जून को शाम 4 बजे माननीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी एक वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे और हमारा भी टारगेट है कि लातेहार जिला के इस डिजिटल रैली के प्रभारी होने के नाते कि मैक्सिमम यहां से भी ग्रामीण, युवा, सभी वर्ग के लोग इस रैली में लाइव देखें, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, इंस्टाग्राम।